भारत माता की जय। आज से मैं मेरा 75 डे का हार्ट चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज बहुत शुभ दिन था, मतलब गणेश चतुर्थी आज से ही स्टार्ट हो रहा है, सो मैंने डिसाइड किया क्यों ना आज से ही मैं मेरा 75 डे का चैलेंज स्टार्ट करूँ। सुबह 5:30 बजे उठने के बाद पूरा नहा धो के अभी 6 बज रहे, 6 to 7 में मेरा योगासन का प्रैक्टिस करने वाला हूँ। योगासन में सबसे पहले तो हम लोग ने बैक की सभी तरह की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग करने के कारण बैक पूरी तरह ओपन हो गया और फ्यूचर में जो भी इंजरी हो सकती थी उससे बचने का हम लोग ने एक उपाय कर लिया। स्ट्रेचिंग करने के बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अपने लंग्स ओपन हो जाते हैं, उसके बाद ध्यान लगाया। योगासन का प्रैक्टिस होने के बाद अब हम लोग 1 कप मिल्क पियेंगे और उसके साथ 3 बनानास भी खाएंगे। अभी मॉर्निंग के 7:30 बजे और 7:30 से 8 बजे तक मैं पियानो बजाऊंगा। ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स पहले मैंने छोड़ दिया था बजाना, क्योंकि कुछ भी रीज़न देता था कि कॉलेज है, क्लासेस है, ये बोल के ऑलमोस्ट ये छूट ही गया था। आपको बुक दिखाऊंगा तो ये देखो पूरा बुक भर के मेरे पास सॉन्ग्स है, तब 2000 से लिखे हुए सॉन्ग्स है, जो अभंग होते थे वो लिखता था। तो वो अभी प्रैक्टिस करेंगे आधा घंटा और ये डेली करेंगे, ताकि वो कला होती है ना वो छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसके पास करने को कुछ नहीं होता। मैंने चैलेंज में बहुत जगह देखा कि सब लोग सिर्फ हेल्थ 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 इस पे ही ध्यान दे रहे, पर सिर्फ हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। सो मैं आज संस्कृत लैंग्वेज भी सीखने की ट्राई करूँगा। और सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज सीखने में मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, तो ये संस्कृत नहीं होता, संस्कृत होता है। हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉपर गलत है, संस्कृत भाषा। नमस्ते मतलब हेलो, स्वागतम मीन्स वेलकम, धन्यवाद, ओके थैंक यू, क्षम्यताम, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षम्यताम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग सुप्रभातम, सुनक्तम, गुड नाइट सुनक्तम, ओके अभी हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। आज गणपति की छुट्टी होने के कारण जिम तो बंद है, तो आज हम लोग घर पे एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें 500 पुशअप्स और 500 स्क्वाट्स मारेंगे। बहुत लोगों को 500 पुशअप पहले ही दिन मारना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा। मैं तो रोज़ जिम में मारता हूँ एटलीस्ट 100 to 200, सो मुझे ये डिफ़िकल्ट नहीं था। और स्क्वाट्स भी मैं बहुत हेवी मारता हूँ, सो स्क्वाट्स मारना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं फर्स्ट डे से, तो आप 100 से स्टार्ट कीजिए, 10-10 के सेट्स मारिए और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। एक्सरसाइज होने के तुरंत बाद मैंने बॉइल्ड कॉर्न खाए, जो एक बाउल का था उससे पेट तो भर गया। लंच में हम लोग बनाना लीफ पे गणपति जी को जो खाना बनाया गया है वो खाएंगे। आज गणेश चतुर्थी है, तो फर्स्ट डे पे हम लोग क्या बहुत सारी सब्जियां बनाई जाती है, और पूरी एक दिन आज खा लेंगे, पर कल से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट होगा। इवनिंग में हम फ्रेंड्स के घर पे 1.5 दिन का जो गणपति होता है उसके दर्शन करने के लिए चले गए। शाम के टाइम हम लोग ने 2 संतरा और 1 पेरू खाने का चूज़ किया। ये खाने के बाद हम लोग आधा घंटा रेस्ट करके फिर एक्सरसाइज करने जाएंगे। आज बाहर बारिश भी हो रहा था, सो बाहर का जाके आउटडोर कुछ करने में मज़ा नहीं है, आज हम लोग घर में ही। मुझे ताइक्वांडो आता है, सो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ताइक्वांडो में मोस्टली सब किक्स ही होते हैं, पर बहुत दिन से ताइक्वांडो ना करने के कारण बहुत सारे क्रैम्प्स आ रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं हो रही थी। पर आई होप बहुत दिन करने के बाद ये चैलेंज में हम लोग और बेटर कर पाएंगे, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रात के खाने में हम लोग दाल और राइस खा रहे हैं, उसके साथ भिंडी की सब्जी है। सो ये खाने के बाद हम लोग का आज का पूरा क्या बोलते हैं खाने का कोटा ख़त्म हो जाएगा। सोने के पहले खाना खाने के बाद हम लोग भगवद गीता पढ़ने वाले हैं, सो भगवद गीता के 10 से 15 पेज पढ़ेंगे फिर सो जाएंगे। एंड डे 1 की हमारी कंडीशन ये है। मिलते हैं कल के वीडियो में।